नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल, एक रेकी ग्रैंड मास्टर, एनएलपी को टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीरा, आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे हाथों में जादू है। जी हाँ, क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा? आपको पता है मैं एक रेकी हीलर हूँ। हमारे हाथों के माध्यम से ही, यहाँ के चक्रा के माध्यम से ही रेकी निकलती है। हाथ ही क्यों, हाथ ही को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है? यदि किसी को आशीर्वाद देना होता है तो हम हाथ से ही देते हैं और अपने सिर पर रखते हैं। क्राउन चक्र का कनेक्शन भी हाथ से ही होता है। ठीक है, कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे हाथ। हम सारे कार्य को अपने हाथों से ही कर पाते हैं और हम ईश्वर से यदि प्रार्थना करते हैं तो हम हाथों को ही जोड़ते हैं। तो हाथों का हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा उपयोग है, आप सभी जानते हैं। और आपको पता भी है कि हमारे हाथों में वो सारी जो अंदर की बॉडी का कनेक्शन है, वो सारा अर्थिंग जिसको हम बोल सकते हैं, वो हमारे हाथों के माध्यम से होता है। ये जो पांचों उंगलियां, ये हमारे पंच तत्व को ही प्रेजेंट करती हैं और सारे चक्रास की एनर्जी के जंक्शन हमारे हाथों पे होते हैं। कितने सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट हमारे दोनों हाथों पर, हमारे पैर के पंजों के तलुए पर, इन पे पूरा शरीर का कंट्रोल हो सकता है। बहुत सारे पॉइंट होते हैं। यहाँ कहा जाता है कि ये पर्वत होते हैं, ग्रह होते हैं, शनि होता है, शुक्र होता है। हमारे हाथों में भी ग्रह बता दिए गए हैं। ग्रह मीन्स आपके जो चक्रास हैं उनकी एनर्जी, उनसे संबंधित जो ग्रह है, जैसे कि मणिपुर चक्र सूर्य से संबंधित है, स्वाधिष्ठान चक्र आपके जल से, ऐसी ग्रहों का भी संबंध उन्हीं चक्रास से है, उन्हीं से है। तो ये सारे पॉइंट बने हुए हैं जो उनको स्टिमुलेट करते हैं। जब हमारे किसी भी पॉइंट पर हम प्रेस करते हैं तो इसकी जो एनर्जी है वो पुश होती है, और यहाँ पर जब हम दबाते हैं तो हमारे जो अंदर की नस नाड़ियाँ हैं, जो वेन्स है, उसमें एनर्जी का फ्लो होने लगता है, क्योंकि वो रुकी हुई हैं। यदि हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बॉडी में मूवमेंट नहीं करते, तो सारी जो अंदर की वेन वगैरह है, नस भी हैं, सब ब्लॉक हो जाती हैं। नस नाड़ियाँ एकदम ही बिल्कुल शिथिल अवस्था में चली जाती हैं, उनमें कोई हलचल, कोई मूवमेंट नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम किसी भी पॉइंट को प्रेस करते हैं तो वहाँ एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है और ब्लड सर्कुलेशन का मूवमेंट होने लगता है। तो दोस्तों, क्या है, हमारे पास मुद्रा विज्ञान भी है, एक्यूप्रेशर भी है, बट हम इतने बिजी हो चुके हैं अपनी लाइफ में कि बैठकर चीज़ों को रेगुलर कर पाना हमारे बस की बात नहीं है। तो मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक बता रही हूँ जिसके लिए आपको समय बिल्कुल नहीं निकालना है। और मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था, एक की बताई थी, एक चाबी, जिसको मैंने बोला था ये आपकी किस्मत की चाबी बन सकती है। आप यदि बाइक, स्कूटी, कार ड्राइव करते हैं, घर का दरवाजा खोलते हैं, उस की का संबंध अपने सबकॉन्शियस से जोड़ लें, चलते फिरते आपका किसी ना किसी अफर्मेशन से आपका संबंध जुड़ जाएगा। उसी तरीके से कुछ चीज़ें आती हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये एक्यूप्रेशर की बॉल है और कलर का भी, कलर थेरेपी का भी ये यूज़ करेंगे। मूलाधार चक्र से संबंधित प्रॉब्लम है तो आप रेड कलर की बॉल यूज़ कर सकते हैं स्वाधिष्ठान चक्र के लिए। ब्लू कलर की, पानी से संबंधित भी प्रॉब्लम आपकी बॉडी में है तो आप ब्लू कलर की, आपका लीवर अच्छे से कार्य नहीं करता है तो लीवर के लिए ये येलो कलर की बॉल है, इनको आप यूज़ करिए। इसको अपने पर्स में, अपने किसी भी चीज़ पर पास में रखिए। जब भी आपको टाइम मिलता है, आपको फ्री टाइम मिलता है, तब टीवी देखते हैं तब, और कहीं पे आप रास्ते में जा रहे हैं, ट्रेन में हैं, कार में हैं, आप फ्री बैठे हैं और किसी से बात कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, बैठे हुए हैं चार लोगों के बीच में, तो आप अपने पॉकेट से, अपने बैग से, अपने पर्स से ये वाले जो बॉल्स हैं एक्यूप्रेशर वाली, इसको निकालिए और अच्छे जोर से अपने हाथों पर चलाइए। इससे क्या होगा, इससे आपके हाथों के सभी पॉइंट स्टिमुलेट हो जाएंगे। सारी जो नसें ब्लॉक पड़ी हुई हैं, जो वेन्स हैंगी, छोटी छोटी आपके शरीर के जंक्शन हैं, चक्रास हैं, इनका कनेक्शन आपके हाथों के पॉइंट से है, ये सारे स्टिमुलेट होकर एनर्जाइज हो जाएंगे और पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन, एनर्जी का फ्लो रुका हुआ चलने लगेगा। इस तरीके से आप येलो, इस तरीके से ब्लू, जब भी आपको टाइम मिलता है, आप टीवी देखते हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, बैठे हैं, फ्री बातें कर रहे हैं, तो आप इनको यूज़ करिए ना। डेली रूटीन में आपको समय नहीं मिलता, मगर हम कुछ ना करने से कुछ तो कर ही सकते हैं ना। तो छोटा सा टाइम लगेगा, छोटी सी चीज़ है, आप कहीं भी ले जा सकते हैं और अच्छी तेज़ी से प्रेस करिएगा। आपको गड़ेगी ये स्टार्टिंग में, बट फिर आपकी हैबिट हो जाएगी, गड़ना ही चाहिए, तभी इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और उसके बाद आपकी फिंगर में पंच तत्व होते हैं।
ठीक है, पंच तत्व को बैलेंस करने के लिए, और आपके पैर, आपके हाथ, आपका सिर, आपकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, हाथ पैर, सब आपके इन पांच फिंगर्स में, फाइव फिंगर्स में आ जाता है। अब आपको अपनी, आपने स्टिमुलेट कर लिया आपके पाम को, अब फिंगर्स को करना है। इसमें आपकी पूरी बॉडी की मसाज हो जाएगी एक तरीके से। अपनी फिंगर लीजिए कोई भी, ये वाली, और ये रिंग आता है, एक्यूप्रेशर रिंग है ये आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, एक्यूप्रेशर बॉल, ये आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको इस तरीके से, जब भी आपको फ्री टाइम मिले आपको इस तरीके से स्टिमुलेट करना है। देखिए, आपकी फिंगर से आपके बहुत सारे पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन, एनर्जी फ्लो करने लगेगी। बैठे बैठे करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। इस तरीके से जब भी आपको टाइम मिले आप इसको करिए, तो आपका चलता फिरता एक प्रकार का एक्सरसाइज होता रहेगा। जो लोग लेजी हैं, टाइम नहीं निकाल पाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, तो मेरे हिसाब से आप कुछ नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो अपनी बॉडी के लिए चलते फिरते इतना तो आप कर ही सकते हैं ना, इतनी तो आप अपनी केयर कर सकते हैं अपने आप की, अपनी बॉडी की। तो ये बहुत ही इजी टूल हो गए हैं, इसके माध्यम से आप बहुत सारे बेनिफिट्स चलते फिरते ले सकते हैं। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं तो इनको लेके चलती हूँ जब भी टाइम मिलता है, तो बस अपना समय का सदुपयोग कर लेती हूँ। तो उस मैंने सोचा आपको भी बता दूँ, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हेल्दी वेल्दी और खुश जरूर रहें अपनी लाइफ में, हैप्पी रहें। तो मैंने आपको बता दिया, आप प्लीज़ उसको ट्राई करिएगा, छोटी सी टेक्निक है, आपको बहुत फ़ायदे होंगे। दोस्तों आप सभी का प्रणाम, खुश रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। धन्यवाद आपका।